साथियों, ये बहुत भरोसे का, विश्वास का और देश की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने का समय है। और इसीलिए आप सबने जो राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई, उस संचालन समिति ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस काम को बढ़ाने के लिए अगली कतार में जिनको अपने सिर का सौदा करना है, उसके नए उपाध्यक्षों में हमने चुना है। कुछ लोगों को एक महामंत्री चुना है और कुछ मंत्री चुने हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये टीम आपको देखे, इसलिए मेहरबानी करके मंच पर आ जाए। मे आई कॉल अपॉन वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वुमेन लीडर्स ऑफ टुडेज इंडिया, आवर लीडर इन तमिलनाडु, मैडम क्रिस्टीना सामी, टू कम टू द स्टेज। मे आई रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड एंड फाइनेंशियल गाइड एंड वेरी एमिनेंट कमिटेड कंसर्न लॉयर ऑफ द कंट्री श्री पी एस शारदा। मे आई कॉल अपॉन भाई पुरुषोत्तम जी, हु गेव हिज बेस्ट टू क्रिएट एंड कॉन्ट्रीब्यूट विद डॉक्टर अजीत झा एंड अदर फ्रेंड्स, गिरीश जी, सोमनाथ जी एंड मेनी अदर्स। दे आर आवर न्यू वाइस प्रेसिडेंट्स, क्रिस्टीना सामी, पी एस शारदा एंड पुरुषोत्तम जी, एंड देन द हीरो ऑफ आवर किसान मोबिलाइजेशन अलॉन्ग विद प्रोफेसर योगेंद्र यादव, भाई अभिक शाह, अ मैन हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लॉयर्स ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, बट टूडे ही इज ऑल्सो अ यंग फार्मर हु हैज वॉक्ड अराउंड द कंट्री विद जय किसान यात्रा एंड संवेदना यात्रा। वी हैव फोर वाइस प्रेसिडेंट्स टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड, टू बी इन द फ्रंट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव्स। अब हमारे पास चार उपाध्यक्ष हैं। अब आपको, पहले गरीब किसान के पास दो ही बैल थे, एक अध्यक्ष एक मंत्री खेत जोतने के लिए, कभी एक बैल बीमार कभी दूसरा बैल परेशान। अब ये चार चार उपाध्यक्ष हो गए, सम्मेलनों में जाने आने के लिए, वक्ताओं के लिए, नेतृत्व के लिए कमी नहीं रहेगी, इसका आप भरोसा करिए। जब चाहेंगे तब लोग आएंगे। हमारे दो राष्ट्रीय मंत्री और उनके साथ एक शानदार महामंत्री, जिन्होंने कल तक भाई अजीत झा के छोटे भाई की तरह से काम किया और अब वो इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अपने जमाने के अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और हमारे जमाने के अन्ना आंदोलन के एक नायक, जिन्होंने प्रशांत भूषण जी के साथ ग्रीवांस कमेटी देखी थी और आज सवा बरस से हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने ACT एंटी करप्शन टीम की अगुवाई किया। डॉक्टर भाई फहीम खान साहब से मैं कहूँगा कि वो आए, वो कहीं इधर उधर होंगे, बहुत से काम उनके जिम्मे रहते हैं। फहीम खान साहब, फहीम भाई, जहाँ कहीं हैं चले आइए, भाई फहीम खान साहब का स्वागत करिए ताली बजा करके। और इनके साथ दो राष्ट्रीय मंत्री भाई, ये नागपुर बेस्ड हैं लेकिन पूरे भारत में छाए हुए हैं अपने लैपटॉप की मदद से, हमारे संविधान के सबसे बड़े जानकार भाई गिरीश नंदगांवकर जी, गए पढ़ने विदेश, जहाज बनाने के लिए लौटे देश, देश बनाने के लिए, गिरीश नंदगांवकर जी। इनके साथ दूसरे राष्ट्रीय मंत्री हमारे हैं, कहाँ गए, भाई राजीव ध्यानी जी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, लखनऊ के हैं, पूरे भारत में इन्होंने प्यार और सम्मान अर्जित किया है, राजीव ध्यानी जी। ये हमारी टीम है। अब इस टीम को मिल करके आपको और हमको अपने मार्गदर्शकों का स्वागत करना है। हमारे संविधान में एक सलाहकार मंडल बनाया गया है, ये सलाहकार मंडल एक और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल जैसा नहीं है कि जिन बूढ़ों को अलग करना हो उनको कहो ये मार्गदर्शक है, फिर उनको देखना नहीं, पूछना नहीं, सुनना नहीं। ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके बीच में और हमारे आपके और देश के बीच में एक जिंदा रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी रखेंगे। जहां हमसे गलती होगी
अहंकार आएगा, स्वार्थ आएगा, छोटे तुच्छे इरादों के लिए बड़े सपनों से हम समझौता करते दिखाई पड़ेंगे, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी, तो ये सलाहकार परिषद घर के बुजुर्गों की तरह से हमको रोकेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपको हमारे सामने खड़ा भी कर देंगे। आपकी कोई भी बात अगर हम नहीं सुनेंगे, हमारी राज्य समिति नहीं सुनेगी, जिला समिति नहीं सुनेगी, तो इन बुजुर्गों के पास जाना आपके लिए एक अधिकार होगा और ये हमारे विधान में लिखा है, किसी पार्टी के संविधान में नहीं है। उसके अध्यक्ष, हमने निवेदन किया कि पिछले 40 साल से 1973-74 से भ्रष्टाचार की लड़ाई को और जनतंत्र की लड़ाई को अदालत से लेकर संसद तक लड़ने में पिछली पीढ़ी के नायकों में आज हमारे बीच मौजूद और आज भी एक तरुण की तरह से हम लोगों के लिए उपलब्ध, हम लोगों के लिए एक साथी की तरह से है, तो ये पिता और पितामह, इनके पोते अब तो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे भारत के पूर्व कानून मंत्री, भारत के अकेले वकील जिसने किसी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के लिए अदालत में खींचा और उसकी कुर्सी तोड़ दी, ऐसे शांति भूषण जी हमारे उस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके दूसरे सदस्य हैं लोक आंदोलनों के विशेषज्ञ, उत्तराखंड की शान और पिछड़े इलाकों में हो रहे आंतरिक उपनिवेशवाद के संघर्षों के नायक भाई शमशेर सिंह जी बिष्ट। शमशेर सिंह जी बिष्ट हम लोगों के नेता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तीसरे सज्जन हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो बम्बई से आईआईटी से पढ़ के निकले, अमेरिका गए पीएचडी करने, उनके जैसे बहुत से लोग अमेरिका गए तो वहीं रह गए क्योंकि जन्नत तो वहीं है भाई, लौटा हिंदुस्तान, बीएचयू में प्रोफेसर बने, स्वराज अभियान के साथ जुड़े और इसके नीति निर्माण समिति के मार्गदर्शक बने, अध्यक्ष बने, वो दस्तावेज बनाया जो हमारे लिए किसी और के सामने शान से खड़े होने का आधार बनता है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा आ जाएं मंच पर आ जाएं। एक और जिन्होंने इस सलाहकार मंडल की सदस्यता स्वीकार की है, अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए हैं, प्रोफेसर अपूर्व बरुआ। आज आसाम में भयंकर बाढ़ है, आसाम ऐसे अभिशप्त इलाका बन गया जिस पर देश की निगाह नहीं जाती, वो इस समय उत्तर पूर्व भारत और शेष भारत के बीच में महान शिक्षक का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर अपूर्व बरुआ। एक और सज्जन हैं जिनकी खानदानी रवायत रही है सियासत की, देश को बनाने में उनके दादा ने जेल काटी, उनके पिता ने देश की सिंचाई समस्या के समाधान में जवाहरलाल से लेकर इंदिरा गांधी तक सहयोग किया, वो खुद कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े नाम थे लेकिन वो नीचे उतरे हैं जमीन पर, अपने पोतों की उम्र के नौजवानों को हाथ पकड़ करके नेता बनाने का काम कर रहे हैं भाई विजय राव जी, और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं, भाई विजय राव जी, विजय राव जी को ताली बजा के स्वागत करिए। आप आंध्र में जन्मे, दिल्ली में पढ़े, अमेरिका में काम किया और वापस आज भारत की सेवा कर रहे हैं। हमारे एक अगले सदस्य हैं डॉक्टर रवि चोपड़ा, ये भी देशभक्त परिवार में जन्मे, बॉम्बे आईआईटी से लेकर के न्यू जर्सी की मशहूर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद आपातकाल की लड़ाई में कूद गए और तब से पीछे मुड़ के देखा नहीं, और इस समय देश के जन वैज्ञानिकों में उनका बड़ा नाम है, पानी के सवाल पर उनसे देश सलाह लेता है और वो देहरादून में बस करके अपनी पत्नी के साथ जो बच्चे प्रकृति द्वारा पीड़ित हैं, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनका एक बड़ा केंद्र और पूरे देश के वैज्ञानिकों को समाज सेवा से जोड़ने के लिए पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, डॉक्टर रवि चोपड़ा हमारे एडवाइजरी कमेटी के अगले सदस्य हैं। हमारे एक और सलाहकार मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने अभी अभी बिहार में संगठन बना करके आपको सौंपा है, बिहार उन 7 राज्यों में है जहां 1/3 से ज्यादा जिलों में सदस्यता हुई, कमेटी बनी, लोग चुने गए, भाई रामदेव यादव जी, आदरणीय रामदेव यादव जी बिहार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सब कुछ छोड़ करके कुर्सी को लात मारा और आज वो आपके साथ अगली कतार में चल रहे हैं, आदरणीय रामदेव यादव जी।
मैं उनको देखना चाहता था, सम्मेलन भी उनको देखना चाहता है, बिहार तो उनको जानता ही है। और एक अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं आ पाएंगे हैं, कल थे वो, कल रात भर थे। एक और वरिष्ठ वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिस्ट जो खड़गपुर आईआईटी से पढ़े सेकेंड बैच, किस जमाने में, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, 85 बरस का ये नौजवान आप सबके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, और ये हमसे तो खुश है कि सम्मेलन सफल हो गया। देवल जी आ जाइए आप। लेकिन हिमाचल से बहुत नाराज हैं, क्योंकि हिमाचल अभी उन शानदार राज्यों की सूची में थोड़ा पीछे चल रहा है, और इनका आदेश है कि मेरी अगर इज्जत चाहते हो तो हिमाचल में भी एक तिहाई जनों को पूरा करो, और उसको और लोग कर रहे हैं, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। अगले सदस्य इसके बने हैं बिहार के जन नेता, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को बढ़ाने वाले, कर्पूरी ठाकुर से लेकर किशन पटनायक के कंधे से कंधा मिला के चलने वाले 85 बरस के शिवपूजन सिंह जी। शिवपूजन जी स्वराज अभियान के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आते हैं और हम लोगों को पितामह की तरह से मार्गदर्शन देते हैं। बिहार को ही नहीं पूरे देश को इनके अनुभव की जरूरत है, इनकी साधना का प्रकाश हमको मिलेगा। और वो शांति भूषण जी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के माननीय सदस्य बनने को तैयार हुए हैं, आदरणीय शिव पूजन जी। एक और बड़ा नाम है जिसको हरियाणा के लोग जानते हैं, मेवात के लोग जानते हैं, शिक्षा जगत के लोग जानते हैं, और वो हैं डॉक्टर सुभान साहब। सुभान साहब चांसलर हैं एक बड़े शानदार विश्वविद्यालय के, जो सदियों से शिक्षा के मामले में सताए गए। मेवात के इलाके में एक विश्वविद्यालय जिन्होंने शुरू किया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी पैदा की, ऐसे डॉक्टर सुभान साहब हमारे अगले मेंबर हैं इस एडवाइजरी कमेटी के। और इसके आखिरी सदस्य हैं आदरणीय गिरिराज किशोर जी, जो हिंदी के अकेले उपन्यासकार हैं, जो 82 बरस की उम्र में भी आंदोलनों की अगुवाई करते हैं। उन्होंने पहले गांधी पर उपन्यास लिखा, पहला गिरमिटिया, जिसका भारत की हर भाषा में अनुवाद हुआ। अभी अभी उन्होंने माता कस्तूरबा के बारे में एक उपन्यास लिखा बा, और वो आपके साथ खड़े हैं आपकी अगुवाई करने के लिए। इन सब के लिए खड़े होकर के अभिनंदन करिए इन सलाहकारों का, और इनको नमस्कार करिए कि इस उम्र की शाम में भी हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब आपको अनुपम जी की मदद से हम उन चुनाव अधिकारियों से जोड़ेंगे जिन्होंने कल पूरी मशक्कत से उस मतदान का निरीक्षण किया, जिस मतदान